मित्रों, हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही तपस्वी और अत्यंत ज्ञानी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही ऋषि श्रृंगी के बारे में जो भगवान राम की बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में, आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। कथा के अनुसार श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम महात्मा विभंडक था। वह एक बहुत बड़े तपस्वी थे। माना जाता है कि विभंडक ऋषि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र घबरा गए थे। इसी कारण देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा था कि कहीं महात्मा विभंडक अपने तप के बल से उनके स्वर्ग का राज ना छीन ले। इसी कारण उन्होंने विभंडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की एक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजा। फिर जब अगली सुबह विभंडक ऋषि सरोवर में स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे विभंडक ऋषि को लुभाने लगी। उस कामुक अप्सरा को देखकर महात्मा विभंडक ऋषि के मन में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिस कारण उनका वीर्य पानी के अंदर निकल गया। वीर्य के गिर जाने के कारण महात्मा विभंडक की तपस्या भंग हो गई, जिसके पश्चात महात्मा विभंडक को बड़ा पछतावा हुआ। पछताते हुए महर्षि विभंडक अपने आश्रम में चले गए। फिर कुछ समय बाद एक प्यासी हिरणी उस सरोवर के पास आई और सरोवर से पानी पीने लगी, जिसके साथ प्यासी हिरणी महर्षि विभंडक का पानी में गिरा हुआ वीर्य पी गई तथा उसी कारण से वह हिरणी उस वीर्य से गर्भ धारण कर लेती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है वह हिरणी पहले एक देवकन्या थी, जिसे किसी कारणवश परम पिता ब्रह्मा जी ने एक योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। इस प्रकार हिरणी बनी देवकन्या समय आने पर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके माथे पर एक सिंह उगा था। माथे पर सिंह होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। उसके बाद उस बच्चे को विभंडक ऋषि ने स्वयं पालन पोषण किया और बड़ा किया, जिसका कुछ समय बाद भगवान राम की बहन के साथ विवाह हुआ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।